नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वर्तमान सरकार की योजनाओं को ठेंगा दिखाते ग्राम प्रधान पति मैरुद्दीन यादव व पशु डॉक्टर शिवानंद जनपद प्रयागराज के विकासखंड प्रतापपुर के अंतर्गत वजन हेटा के बने काना गौवंश आश्रय स्थल में चारे के अभाव से हो रही मवेशियों की मौत। आपको बता दें कि काना गौवंश आश्रय स्थल बंसेटा के बेजुबान जानवरों की हत्या का मुख्य कारण पशु डॉक्टर शिवानंद एवं ग्राम प्रधान पति मैरुद्दीन यादव है। इनकी घोर लापरवाही के कारण हो रही मवेशियों की मौत। चारे की कोई व्यवस्था नहीं है और बेजुबान जानवर को भूख लगी तो उन्हें चारा नहीं मिलता तो तड़पकर बेजुबान जानवर अपना दम तोड़ देते हैं। और वहीं पर ग्रामीणों का आरोप है कि वहीं पर जब पशु डॉक्टर शिवानंद को फ़ोन किया जाता है तो डॉक्टर शिवानंद कभी भी मौके पर वारदात में नहीं पहुँचते और दम तोड़े हुए मवेशी को पोस्टमार्टम भी नहीं कराते। इसके अलावा जब मवेशी की दुर्दशा वहीं आश्रय स्थल पर कुत्ते नोच कर देते हैं। आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। 24 अगस्त को उपजिलाधिकारी हांडिया को सूचना दी गई थी, संबंधित विभाग के ऊपर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिए। मौके पर उपजिलाधिकारी हांडिया व तहसीलदार हांडिया और ग्राम थाना प्रभारी फूलपुर भी मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि जब गांव का कोई भी व्यक्ति किसी से साझा करता है तो उसके प्रधान पति मैरुद्दीन यादव उसे जान से मारने की धमकी देते हैं और बहुत ही गंदी गाली देते हैं। ऐसे भ्रष्ट प्रधान पति से गांव की सारी जनता परेशान है और ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रधान को तत्काल रूप से निलंबित किया जाए। हमारा नाम छोटे लाल यादव, BSNL का ड्राइवर है, गाँव बस रहता। एक गौशाला कौन सा है, क्या नाम है गौशाले? बस रहता। अच्छा, यहाँ पे क्या समस्या है? यहाँ की समस्या ये है, ना कोई वॉचमैन है इसमें, ना कोई गोबर फेंकने वाला है, ना कोई खिलाने वाला। अच्छा, काम करने वाले नहीं है यहाँ पे? एक कोई नहीं। अब है आज 10 दिन से, क्यों ना। अच्छा, 10 दिन पहले थे? हाँ हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे पशुओं की मौत हो रही है? बिल्कुल, 4 थी 5 थी 3 थी, रोज रोजाना मर रहे हैं चार। रोज रोज। उसका पोस्टमार्टम पंचनामा कुछ होता है? पोस्टमार्टम डॉक्टर आते हैं यहाँ पे? कुछ नहीं होता है। ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ पे कोई सहायता इस गौशाले के संबंध में कुछ भी नहीं है? एक दो झाल, चारे की क्या व्यवस्था है? एक दो झाल भूसा फेंक दिया तो खही के तला जाने खही। चारे की क्या व्यवस्था? चारा आता है, भूसा आता है? एक दो झाल देखा पड़ा हो यही के तब। नाम है आपका? गुड्डी। ये कौन सा गांव है? बस लहटा। क्या समस्या है? समस्या तो यहाँ पे है, बहुत मतलब गोरू बहुत निष्काम करते हैं, धान भी खाते हैं, कोई इसका न राजी है न गाहकी है। कहाँ से पशु कहाँ से आते हैं? पशु यहाँ गौशाला से आते हैं। कितने दिन से बना हुआ है गौशाला? गौशाला हो गया 5-6 महीना हो गया। तो यहाँ चहर दीवारी या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो पशु बाहर निकल के घूमते? कोई व्यवस्था नहीं, बाहर घूमते हैं। अच्छा, जो किसानों की खेती है उसका भी नुकसान हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा नुकसान है, पूरा किसान का खेती खा के नष्ट कर देते हैं। अच्छा, तो इसके संबंध में यहाँ से जो संबंधित अधिकारी हैं कोई आते हैं कि नहीं यहाँ पे? क्या आते हैं? कुछ नहीं आते, सब देख के चले जाते हैं, आते कोई कुछ बोलता नहीं, ना कुछ करता है यहाँ पे। यहाँ का प्रधान कुछ नहीं करता। क्या नाम है प्रधान का? अच्छा, यहाँ पे पशु मरते भी हैं? रोज मरते हैं। कितने मरते हैं रोजाना? 4-5 रोज मरते हैं। अच्छा, तो उससे आप लोगों को कोई समस्या हो रही है जो पशु मर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, हमारे संज्ञान में मैटर ये आया है कि यहाँ पे पशु जो मर जाते हैं उनकी उनका ना तो पंचनामा होता है, ना तो उनकी पोस्टमार्टम होती है, और इस गौशाले में जो कुत्ते यहाँ के हैं बाहर के कुत्ते वो जाके पशुओं को नोच कर खाते हैं। सही है? आप देखी है? क्या समस्या है? समस्या यही है, पहली बात तो 40 के पार जो 40 उम्र के लड़के हैं, 40 के बाद प्रधान नहीं होना चाहिए। नया संविधान बनाना चाहिए। ये प्रधान ऐसा है, जब से प्रधान हुआ है कोई विकास नहीं हुआ है। क्या नाम है, नाम क्या प्रधान का? फूलपत्ती देवी। अच्छा, का नाम मैहर दे जी। गांव कौन सा है? ये बसनेटा गाँव। हाँ, आज तक कोई विकास नहीं हुआ है बसनेटा में, जितने भी प्रधान हुए हैं, और ना तो गौशाला में कोई काम हो रहा है। अच्छा, गौशाले से संबंधित आप बताए, गौशाले में क्या प्रॉब्लम है? हर रोज गोरू मर रहे हैं। कितने मरते हैं? कर्मचारी नहीं आता है, कोई देखने नहीं आता है। अच्छा, पहली बात तो जो कर्मचारी काम करते हैं इसमें 10 लोग को लगाया गया है, कोई वेतन नहीं दिया गया आज तक। अच्छा, तो किस शायद क्या रीजन हो सकता है इस जगह जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं या जो मवेशी की मौत? ईमानदार हैं, कार्य योजना की कॉपी निकाल के हमको दिखा दो, जान जाएंगे आप ईमानदार प्रधान है, कोई अच्छा। भी काम नहीं हो रहा है तो यह नहीं, दिक्कत किसकी है? प्रधान की दिक्कत है। जान से मारने की धमकी देता है इसका लड़का है सुरेश यादव। हाँ, अच्छा, वो धमकी देता है? बिल्कुल। ये आप कैसे प्रूफ करेंगे कि वो जान से मारने की धमकी देता है?
सबके सामने देता है, कुछ सबको देता है। अच्छा, तो उसके खिलाफ जाएगा, उसकी MP3 प्लेयर या वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग कुछ है आपके पास? सर रिकॉर्डिंग तो हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। और बलि आप कह रहे हैं कि वो जान से मारने की धमकी देता है, किस रीजन से? क्या आप क्या कहते हैं आप जो आपको धमकी? शिकायत करेंगे तो भी और जान से मारने के सभी को। अच्छा, शिकायत से संबंधित वो धमकी देता है? बिल्कुल। ठीक है, अच्छी तरह से कार्रवाई करना चाहिए और इस गांव में DM को भी आना चाहिए। अच्छा, अभी तक से लेके SDM तक कानून को लेखपाल सब घुसखोर हैं, सब अच्छा, बैठे हैं। नहीं, अभी तक कौन कौन अधिकारी आए हैं यहाँ? कौन अधिकारी आता है? BDO आएगा देख के चला जाएगा, सिक्रेटरी आएगा दाढ़ी बस हाथ लगा के चला जाएगा। क्या कौन है सिक्रेटरी? घास उखाले में गोरू को ले क्या सुविधा है? भूसा नहीं है, पानी नहीं है जी, सबका नुकसान कर रहे हैं खेत में जाके। सबको ता देना चाहिए, फिर से चुनाव करवाना चाहिए। अच्छा, अभी तक जब से शिकायत हुई है कौन कौन अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं आपके संज्ञान में? कल के डेट में पुलिस फोर्स आई थी थाने से। और कौन आया? SDM आए थे, तहसीलदार साहब आए थे। हाँ, तो उस पे कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आए और चले गए, आए और चले गए, आए और चले गए, आए और चले गए, कुछ हुआ नहीं है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ऐसे प्रधान को हटाना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए और ऐसे प्रधान को जेल भेजना चाहिए, चाहे कोई भी प्रधान हो। क्या नाम है चाचा आपका? ये कौन सा गांव है? अच्छा, यहाँ पे जो गौशाला बनाया गया है वो कौन सा, क्या नाम है गौशाले का? बसनेहटा। क्या समस्या है यहाँ पे? शिकायत की गई है बार बार। अच्छा, कहाँ पे शिकायत की गई? गाय मर गए हैं। गाय मरती हैं जी? कितनी मरती हैं रोजाना? अब रोजाना 2-3-4-5 मर रहे हैं। 56 गणना की गई थी, वर्तमान में 12-18 हैं आज के डेट में जी। और ये गणना कभी हुई थी? 14 जुलाई को। अच्छा, तो रोज़ 3-4 जानवर मर रहे हैं, तो वो जो मृतक हो जाते हैं उनका पंचनामा या पोस्टमार्टम कुछ होता है? जी नहीं। कुछ डॉक्टर नहीं आते? नहीं। यहाँ के प्रधान क्या कर रहे हैं? प्रधान तुम्हारे यहाँ महिला है जी, प्रधान पति? प्रधान पति के लड़के हैं जी, महिला बीमार है। हाँ, वही लोग काम कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे जो कर्मचारी थे जो रखे गए थे काम करने वाले, जो मजदूर थे, मजदूर हैं अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे? एक भी नहीं है? नहीं। कोई भी अभी की स्थिति है यहाँ पे कोई नहीं है? नहीं। ठीक है, उसके अलावा जब यहाँ के लोग शिकायत करते हैं तो प्रधान द्वारा कुछ बोला जाता है? भाई तो वही बताएं जो शिकायत करता हूँ लोग हैं, क्यों बताएं कि हमको वेतन नहीं मिलता जी, और छोड़ दे गौशाला। इसके अलावा आपको आपको कोई समस्या है इस गौशाले से संबंधित? समस्या है। क्या समस्या है? समस्या है भाई, यहाँ बने हैं सब फसल खा रहे हैं पशु। अच्छा, बाहर निकलते हैं? कैसे कैसे? अब हम देख रहे कैसे निकलते हैं। अच्छा, निकलते हैं, आपको पता है कि निकलते हैं? निकलते और हैं। बाहर की जो धान की खेती है वो पूरा नष्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, आप प्रत्यक्ष देख लीजिए सामने, सामने वो है इधर है माता, ये भी बाबू का फोटो। हाँ बताइए, अब पशु यहाँ मरते हैं जी, बगल में पशुशाला बनाया गया है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन यहाँ कुत्ते नोच लेते हैं। किसको? जो गाय मरती है उनको? गाय मरती नहीं, जो बछड़े छोड़ गए हैं उनको भी नोच, जिंदा नोच ले रहे हैं। हाँ, जिंदा नोच खा रहे हैं। देखो 56 जानवर थे, वर्तमान बताए महोदय की 128 है। 118 आज के डेट में 105 है, 105 है। लेकिन बताया जो ठंडा किया नहीं जी, 5 है। हाँ, लेकिन टैग वेग कहाँ है, था नहीं चल रहा हमका। अच्छा, तो ये बताइए जो जानवर मर रहे हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है उससे, जो वहाँ पे लेके फेंक रहे हैं ऐसे ही फेंक देते हैं, उससे कुछ समस्या हो रही है? क्या समस्या हो रही है? इतना गंध आता है, हम लोग जीना दुभर हो जाता है। अच्छा, एक कुत्ते नोचते हैं, पशु भी नोच रहे हैं, जिंदा पशु को। अच्छा, अभी जो बहस हुई थी वो किस लिए हुई थी? भाई बहस हुई थी न्याय अन्याय पे जी, तो आपको वो गाली से पेश आ रहे थे, गाली दिया जा रहा था कि कौन गाली दे रहा था? गाली दे रहे, धमकी भी दे रहे थे। क्या धमकी दी? जो करना हो कर लो, मार लो। गाली कौन दिया? शिकायत किया था कि भाई प्रधान हमारे गांव को भूमाफिया है जी। हाँ, है भूमाफिया वो आदमी जी जी, कि आदमी हमको धमकी दे रहा आदमी था जी। हाँ, तो जो भी हमारे जान मान नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार प्रधान होगा जी। सही कह रहे हैं, ठीक है। आपका? हमारा नाम सुकुमार है। ये कौन सा गौशाला है? ये कान्हा गौशाला बसनेटा जी। क्या समस्या है? समस्या है कि हम यहाँ से जानवर निकल कर हमारे सीधे खेत में आते हैं,
तीन बीघे का हमारा चक है, पूरा खा जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे काम करने वाले नहीं हैं? काम करने वाले एक भी नहीं रहते, सुबह शाम यहाँ आके बैठे रहते हैं, उसके बाद ना चारा देते हैं ना वहाँ पानी देते हैं, वहाँ से सब बस ऐसे यहाँ बैठ के दिन गुजार चले जाते हैं। अच्छा, अभी प्रेजेंट टाइम में कोई है वहाँ पे गौशाले में? नहीं है, कोई भी नहीं। प्रधान का ना तो प्रधान है ना तो उनके कर्मचारी, एक भी आदमी मजदूर नहीं है वहाँ? एक भी मजदूर नहीं है ना प्रधान कर्मचारी है वहाँ, सब ऐसे ऐरा चल रहे हैं जानवर। अच्छा, मवेशियों की मौत भी हो रही है? जी, रोज कितने मर रहे हैं? जो मरते हैं उनका पंचनामे पोस्टमार्टम कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर कभी आते हैं? डॉक्टर वॉक्टर कभी कुछ नहीं आते। ग्राम पंचायत अधिकारी कभी आया? हमारे समझ से नहीं। खंड विकास अधिकारी कभी आए? नहीं। सहायक विकास अधिकारी कभी आए? नहीं। यहाँ के नोडल अफसर कभी आए? नहीं, कोई नहीं आता है। अच्छा, जो जो पशु यहाँ मरते हैं, मरने के बाद यहाँ पे कुत्ते उत्ते नोचते हैं क्या? कुत्ते नोचते हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ले जाके वहाँ खलीवाते।